Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस फेम हिमांशु खुराना के पिता गिरफ्तार, 5 साल पुराने मामले में जेल। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। पंजाबी अभिनेत्री और बिग बॉस सीजन 13 फेम हिमांशु खुराना के पिता कुलदीप खुराना को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेत्री के पिता की गिरफ्तारी 5 साल पुराने एक मामले में हुई है। उन पर कथित तौर पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक नायब तहसीलदार के साथ अभद्रता का आरोप है। हिमांशु के पिता को गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और फिल्लौर कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने 5 महीने पहले गौराया में चुनाव ड्यूटी के दौरान नायब तहसीलदार के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली गलौज करने के आरोपों के बाद कुलदीप खुराना के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार नायब तहसीलदार जगपाल सिंह की शिकायत के आधार पर कुलदीप खुराना के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कुलदीप खुराना यानी कि हिमांशु के पिताजी, अपनी शिकायत में जगपाल सिंह ने कुलदीप खुराना पर ड्यूटी पर तैनाती के दौरान कार्यों में बाधा डालने, उन्हें मौखिक रूप से गाली देने और साथ साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। अधिकारी के साथ मौजूद एक कर्मचारी ने कथित तौर पर इस घटना का वीडियो बनाया जो मामले में महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर काम आया। लुधियाना में कई पुलिस छापों के बावजूद गिरफ्तारी से बचने के महीनों बाद खुराना को एक गुप्त सूचना के बाद घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और कुलदीप को फिल्लौर कोर्ट ले जाया गया, जहाँ कुलदीप खुराना को न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद कपूरथला जेल भेजा गया। गौराया में MP चुनाव के दौरान हुई इस घटना से ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि कुलदीप खुराना पर सरकारी काम में हस्तक्षेप का आरोप लगा है और गौराया पुलिस स्टेशन के SHO ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि अभिनेत्री के पिता पर ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप हैं। फिलहाल मामले में आगे की जाँच चल रही है। इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। Subscribe now for all the latest and trending updates.